नमस्कार सभी को, स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि हमारा क्रिकेट अपडेट्स को कभी ना छोड़े। आज हम देखने आ रहे हैं एक जबरदस्त वीडियो, पाकिस्तान इंडिया का रिएक्शन एक इंटेंस आईपीएल मैच पर। राजस्थान रॉयल्स ने लक्ष्य वन मैच जीता पंजाब किंग्स के खिलाफ और एक मैच का एक्सक्लूसिव फिनिश मैच का हाईलाइट था। चलिए देखते हैं पाकिस्तान इंडिया ने चिली एनकाउंटर पर क्या कहा। What a match that was. और हिटमायर एट द एंड ऑफ द डे भाई उसने बताया है कि क्यों है वो वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर और बहुत ही बेहतरीन शानदार पारी खेल के गया है और अपनी टीम को जो कि एक थोड़ा काफी नाजुक सूरत हाल में मैच चला गया था जब उसने चौका और छक्का मारा अर्शिल पटेल को 18वें ओवर की आखिरी दो गेंदों पे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 14 गेंदों पे 30 रन चाहिए थे और वहां से जनाब चौका छक्का फिर आखिरी ओवर में भी पहली दो डॉट बॉल खेलने के बाद आप अंदाजा करिए कि कितना ज्यादा प्रेशर किसी भी बैट्समैन पे आ सकता है। बट ही वाज कूल एंड रिलैक्स्ड। अगली मतलब एक छक्का फिर अगले जो हुआ आपने देखा, गेंद भी गंदा कराया जिसपे दूसरा छक्का खाया तो अर्शदीप प्रेशर नहीं बना सका उस तरह। बैरल संजू सैमसन और आरआर, ये मैं आपको बता दूं, जहां ये फंसेंगे ये बढ़ जाएंगे। इनको इनको बैटिंग ऑर्डर ही नहीं आता। संजू सैमसन यही वजह है कि बीसीसीआई उसको कम से कम चांस देता है क्योंकि उस ये खाना जो है ना उसको गेम सेंस ही नहीं है, गेम अवेयरनेस ही नहीं है कि गेम किधर। ये 20 ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पे मैच जा रहा है और भाईजान ये हिट मार के पांव धो के पिए कि इसने जलील होने से बचा लिया। सैम करन देखे एक एक वो लिविंगस्टन को कभी ओवर ही नहीं देता जिसका नाम शिखर धवन है। हर्षदीप ने जब दो यॉर्कर पक्की मारी तो यॉर्कर पे तो कोई आंसर नहीं था। तीसरी बॉल पे उसने चढ़ के गेंद पर आधा बल्ला लगा और सामने छक्का कैसे मार दिया अगर विकेट पे बॉल फंस रहा था। उसके बाद फिर डबल आ गया। तो भाई ये यूजलेस टीम नजर आती है पंजाब किंग्स पीबीकेएस। और ये आज से नहीं, आज क्या किया सिकंदर रजा बार, 8वां नंबर क्यों है उस बच्चे का आशुतोष का, 8वां नंबर क्यों है। अबे आज भी तुमने उसे सब में खिलाया, यानी इतनी बड़ी टीम है ये जो हर मैच हार रही है बेगर्तों की तरह कि तुम इसमें आशुतोष को जो है वो बेचारे को 16 बॉलों पे 31 रन उसके निकाल दो तो मैच में लड़ाई क्या थी। राजस्थान तो शायद तुमसे मजाक कर रहा था भाई, टेबल टॉपर्स हैं वो, टूर्नामेंट में टॉप पर लीड कर रहे हैं वो, एक मैच हारे थे पिछला, आज वापिस उन्हें तुम मिल गए तो दुकान उनकी खुल गई। 5 मैच जीते हुए रन रेट भी पॉजिटिव 7 है। नहीं यार ये तो बात है कि लानत है इन पे। यार मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है राजस्थान से, मतलब अपनी टीम से तो छोड़ ही दो, मुझे राजस्थान से भी कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन मुझे राजस्थान से एक ही कंप्लेंट है। अगर तुम लोगों ने जीतना था तो यार आराम से जीत लेते ना, ये बिना मतलब की पता क्या भाई उम्मीदें जाग जाती हैं इससे। ओके हाँ थोड़ा टेंशन देखा करो थोड़ा। बट थ्रिलर फाइनली आईपीएल में, एक थोड़ा निस्बतन बुझा सा आईपीएल लग रहा था बट क्या कमाल का थ्रिलर हुआ और पंजाब ने कहां तक ले गए इस मैच को। बाबर भाई की टीम पंजाब किंग्स, प्रिटी जेंटा की टीम पंजाब किंग, और कहां तक ले आए थे आप लोग इस मैच को। पंजाब ने ब्लंडर्स किए, मतलब क्या कुछ नहीं किया पंजाब ने, आगे वीडियो में डिटेल से बात करेंगे जो इनकी अप्रोच है टुवर्ड्स क्रिकेट और टुवर्ड्स टीम। बट मतलब बाहर में जब 4 बॉल 10 रन चाहिए थे सामने श्रीदीप सिंह को, क्या ये अनलकी है, ये ब्लंडर करते हैं, मतलब बंदा इनको क्या ही बात करेगा। गंदा शॉट खेल के जसवाल, वो बीच में से जगह संजू सैमसन फ्लूका मार रहा है। रियान पराग एक ही ओवर में दो कैच छूट गए। मौसूम फिर भी कुछ नहीं कर सके। जुराल इज अ टेस्ट प्लेयर, आप उसको T20 खिला रहे हैं। ओ भाई आपके पास रोमन पावल जैसा पावर हिटर है, आपके पास हिटमैन है और आप भेज रहे हैं जुराल को ऊपर। यार मतलब कोई थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल बंदा कर। मैं कहता हूं ये मैच सैम करन की तबाहकुन कप्तानी, जो उसने गलतियां उसने भी की है लेकिन उसने जिस तरह 147 को सेकंड लास्ट बॉल तक ले गया, मैं नहीं समझता शिखर धवन साहब होते तो ये मैच इतना लंबा जाता। ये सारा दिमाग जो है सारी कारकर जहां पे आरआर की घटिया प्लानिंग थर्ड क्लास गेम रीडिंग, वहां पे सैम करन की सुपर क्लास कप्तानी, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग चेंजेस, आप देखे कैच ना पकड़े लोग तो इसमें कप्तान का कोई कसूर नहीं है। चल प्रभ सिमरन पर आप लोग नाराज हो जाते हैं, असल में बात यह है कि देखें यार लास्ट ईयर उसने जो किया वो किया, क्या वो लास्ट ईयर खेलने के भाई एक इनिंग पे क्या वो 3-4 साल आईपीएल खेलेगा भाई। रेगुलर खेल रहा है, एक ही नंबर दिया हुआ उसको। कुछ लोग कहते हैं ओपनिंग, भाई ऊपर ही खेलते हो तुम,
फौरन तुम्हारी बैटिंग आ जाती है, उसके बाद तुम्हारा ड्रामा है कि खत्म नहीं होने का नाम लेता। तो ये बता दो ना कि भाई कब रन करोगे? सबसे ज्यादा मौके पर सैम करन भी लिया हुआ है, फिर लिविंगस्टन भी लिया हुआ है। भाई वर्ल्ड कप 2022 में सैम करन ने जो अच्छा परफॉर्म किया था वो सिर्फ और सिर्फ किया था ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में, क्योंकि वहां बड़ी बाउंड्रीज हैं। अभी अर्शदीप से पहले वाले ओवर में सैम करन 10 रन बनवा के नहीं गया। तो बात यह कि भैया 10 रन तो बनते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट में, पर अगर ये विकेट फंसा हुआ था, इस पर छक्के मारने बड़े मुश्किल थे, तो सैम करन भी 6 रन पे ओवर गुजार देता। जिस तरह से ये हार जाते हैं और जिस तरह के डिसीजन लेते हैं, जिस तरह से आज हमने डिसीजन रहे, बहुत ही अनफॉर्चुनेट रही पंजाब की। आल दो आपको लगेगा एंड में पंजाब इतना क्लोज आ गया, बट जो पंजाब के डिसीजन थे टुवर्ड कैप्टनसी, टुवर्ड प्लेयर सिलेक्शन, और जिस तरह से सैम करन अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, और भी इतने ज्यादा ब्लंडर्स हैं, आपको क्या ही बताएं कि एक एंड तक तो दिल करता है बंदा पंजाब, आरसीबी और दिल्ली, ऐसी जो 2-3 टीमें जो फजूल किस्म का अपना ऑक्शन टेबल खेलती हैं, तो दिल ही नहीं करता इनका मैच देखने का, बट फिर भी निस्बतन अच्छा एंड में थ्रिलर हो गया। और राजस्थान के जब प्रीमियम बैटर आए तो कमाल की उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। तो लेकिन लास्ट में जो है वो अर्शदीप सिंह 10 स्कोर नहीं बचा पाए, पहले 2 बॉल्स डॉट की, मैंने कहा यार शायद कि ये बंदा जो है वो सेव कर जाए, लेकिन आगे शिमरॉन खड़ा हुआ था भाई, शिमरॉन ने 1 6 मारा, 2 मारा, फिर जो है वो 6 मार दिया, मतलब उसने 3 बॉलों के अंदर बॉल खत्म कर दी। मुझे ये था 47 का टारगेट बहुत कम नहीं है, कम था, इसलिए तो कह दोनों साइड्स की, पंजाब की भी और राजस्थान की भी, दोनों साइड्स की बॉलिंग साइड ने बड़ा डोमिनेट किया, जिस वजह से जो है वो बड़ा जबरदस्त जो है वो आज टाकरा देखने को मिला। और कम जब 13 में 26 चाहिए था राजस्थान को, 13 में 26 आखिरी बॉल डालने जा रहा है उस्ताद हर्षल पटेल। पहली बात तो मेरी फटी पड़ी थी, मैं हैरान था कि यार ये बंदा इतना अच्छा ओवर डाल कैसे रहा है। चलो वो 13वीं बॉल मतलब अपनी आखिरी ओवर डालने गया, वो 13 में 26 चाहिए, क्रूशल बॉल था, मोमेंटम शिफ्ट करने वाला बॉल था, भाई ने इतनी गंदी बॉल डाली और छक्का खा गया। उसके बाद आखिरी के 2 ओवर में 20 रन चाहिए। अब यहां सैम आता है बॉल डालने, हमारा हरामी बच्चा, पहली बॉल चौका खा जाता है, दूसरी बॉल चौका खा जाता है। अब यहां से ये मैच राजस्थान का है, क्योंकि यहां से 10 में 12 चाहिए, अगली बॉल पे वो आउट हो जाता है पवल, करते कराते वो आखिरी की 4 बॉलें अच्छी डालता है, वो आखिरी की 4 बॉल में सिर्फ 2 रन देता है, 1 विकेट और ले लेता है केशव महाराज का। अब आखिरी के 10 रन चाहिए, आखिरी की 6 बॉल में 10 रन चाहिए, बहुत अच्छी 2 बॉलें डाली अर्श ने। देखे पता चला मिस्टर आईसीसी की कप्तानी में और सैम करन की कप्तानी में पिछले साल भी इसने थोड़ी सी कप्तानी की थी और इसने दिखाया था, सैम करन 25 रन और 2 विकेटें, रबदा 18 रन और 2 विकेटें, मैच ही सारा चेंज कर दिया ना, मैच ही चेंज कर दिया। यस सैम करन को खुद ऊपर बैटिंग करने नहीं आना चाहिए था, शशांक आज नहीं कर सका, कोई भी नहीं कर सका, और वो संजू सैमसन साहब ने अपनी नाक बीच में घुसाई, इंतहाई थर्ड क्लास माजरत खाना अंपायरिंग एज यूजुअल, कीप ऑन गोइंग एंड डिस्ट्रॉइंग एंड स्पॉइलिंग। और संजू सैमसन ने बहुत ही घटिया वीडियो काफी है, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और इसको अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ कमेंट में बताइए आपका इस आईपीएल सीजन में फेवरेट टीम कौन सा है। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए ये अलोकेश आपका होस्ट, गुड बाय।